गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजस्थान इज फेमस लहसुन और ग्रीन मिर्च की चटनी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले ले और उसमें डाल दो ऑयल। जब ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर डाल देना है राई, साथ में डाल देंगे जीरा। इसके बाद यहाँ पर डाल देनी है थोड़ी सी हींग, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को एकदम अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है और फिर लहसुन डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट होने के बाद इसके अंदर ऐड कर देनी है बारीक चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची। तो ग्रीन मिर्ची को मैंने चॉपर में एकदम अच्छे से चॉप कर लिया है। वो सारी ग्रीन मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं टोमेटो। तो टोमेटो को भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देना है। 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद यहाँ पर एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद यहाँ पर डाल देनी है हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे धनिया पाउडर और फिर लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चटनी चाहिए ना तो डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और 5 से 6 मिनट के लिए पका लेके। 5 से 6 मिनट होने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना है 1/2 लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस डालने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद यहाँ पर ये हमारी राजस्थानी स्टाइल लहसुन और ग्रीन मिर्ची की चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो इसको रोटी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। बहुत ही सिंपल तरीके से ये चटनी बनती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, आपको सच में बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है गाइज। इंजॉय, थैंक यू।